हेलो गाइस, सो मैं दिखा रहा था आपको कि ब्रेकफास्ट कैसा है। ब्रेकफास्ट बहुत ही औसम था। हम लोग, बता देता हूँ है कहाँ इस वक्त। हम लोग हैं पेगासस, इट्स नियर टू इन बिटवीन देहरादून एंड मसूरी। एंड जहाँ आपको डिफरेंटली ये सिखाया जाता है कि कैसे टीम में काम करते हैं, कैसे क्या करेंगे। सो अब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। सो ये ट्रेनिंग एरिया है कुछ। सो ये ट्रेनिंग एरिया है, ट्रेनिंग ग्राउंड। और ये हमारे सारे गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट रियली ऑसम एंड हेल्दी था। सो आइए मैं दिखाता हूँ ग्राउंड में क्या क्या है एक्चुअली में। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होंगी। और व्यू तो आप देख ही रहे हैं, कितना ऑसम है ये व्यू। हम लोग इस वक्त 33,330 फिट हाइट पर हैं सी वाटर लेवल से। और तो ये कुंदन कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये क्या, तो इनसे ये पूछिए कि तो फोटो खिंचवाने आए क्या बाबा, करने से ही होगा। दिस इज एक्चुअली द एक्टिविटी एरिया यू सी, बट रियली वी आर सो एक्साइटेड ये फील करने के लिए कि एक्चुअली कैसी ट्रेनिंग है और कैसा लगने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं 6 और हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। सब लोग उठ गए हैं। टी का टाइम है, टी लेते हैं। गुड मॉर्निंग। ट्रैकिंग पे निकले हैं सुबह सुबह, 6:30 का टाइम है। देखते हैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। सर हैं हमारे साथ ट्रेनर, ये टीम है पूरी। कुछ ऐसा टेरियन है, काफी सालों से हमने शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लिया था, आज सारी जगह था। तो आज निकले हैं और साफ सुथरा ऑक्सीजन लेने, आज हम लेने वाले हैं। बिल्कुल हालत खराब हो गई। 1 किलोमीटर चले, फीलिंग वाज अल्टीमेट। ये देखिए टीम कितनी खतरनाक जा रही है। ये तो एक्टिविटी से टफ लग रहा है। कैसा लग रहा है? वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ओके, थोड़ा रिस्की है। अच्छा भी लग रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओके, ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है। कुंदन कह रहा है अल्टीमेट एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस वाज अल्टीमेट। थका हुआ फील कर रहा हूँ। देखिए कितना सही व्यू है, पहाड़ों पर खेती का एक अलग ही आइडिया होता है, एक अलग एक्सपीरियंस है। टीम प्लान कर रही है कि आगे एक मंदिर है वहाँ चले, टाइम है अभी। कुछ लोग कह रहे हैं चलते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जा रहे, बड़ा कन्फ्यूज़न है। सो फाइनली डिसाइड हुआ है कि चलते हैं। चलिए चलते हैं हम भी। आई थिंक कंप्लीट होने वाली है, एक मंदिर है, हमें यहाँ तक आना था। सो गाइस, वापस जाते हुए ट्रैकिंग से थक गए। सो गाइस, फाइनली हम आ गए अपने कैंप में कंप्लीट करके। 2.5 घंटा लगा कंप्लीशन में। 9 बज रहे हैं।
सो फ्रेश होंगे, बात लेंगे एंड देन अगेन फॉर सम एक्टिविटीज. हेलो गाइस, यस अनदर डे, डे टू बात ले लिया है, कपड़े बदल लिए हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं आफ्टर ट्रैकिंग और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. फाइनली रैपलिंग वाला जो टास्क कर रहे थे वो डन हो गया. मैं डालूंगा उसका वीडियो. रियली बहुत, मतलब कुछ लोगों के लिए सिंपल था, कुछ लोगों के लिए टफ था, डिफरेंट व्यूज थे. मेरे को तो सीरियसली बहुत फियर था, हालत ख़राब हो गई थी उतरने में. बट एक्सपीरियंस वाज ऑसम एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क जो मोटिवेशन था वो इतना इम्प्रूव हो गया, इतना बढ़ गया अपने ऊपर कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ. सो सीरियसली यार, ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. हम लोग अपनी मेट्रो लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं करते हैं. हेलो गाइस, सो कैसी लगी वीडियो बताइएगा. और अब ट्रिप कंप्लीट हो रहा है तो मैं एंडिंग कर रहा हूँ. आज हम जा रहे हैं वापस नोएडा. बस बाहर सब खड़े ही हैं, मैं बस एंडिंग कर रहा हूँ. एंड कैसा लगा आपको, कैसा था, क्या था, एनी सजेशंस प्लीज़ मुझे बताइएगा. मैं इम्प्रूव करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.